Hello everyone, this is Shalini and now we would further read our lesson number 3, which is from fiber to fabric. So let's start and read the lesson. In earlier video we have learned about the wool and from where we get wool fiber. Now in this video we would study about silk, that from where we get silk and how is it processed. So let's start and read this. Silk fibers are also animal fibers. Silk spin silk fibers are also animal fibers and silkworm spin the silk fiber. ठीक है, silkworm जो रेशम के कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं सिल्क के फाइबर को. और द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. और उसको क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है. तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव and list the kind of silk. So before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know interesting life history of silk moth. अब इसके लिए क्या है, पहले हमें सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि जो रेशम के कीड़े हैं वो उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. तो सिल्क मॉथ के बारे में देखते हैं. द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म. अब जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एग ले करती है. जब वो हैच होंगे तो वो क्या बनते हैं, वो बनते हैं कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहा जाता है उनको. दे ग्रो इन साइज व्हेन कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री इट इज़ कॉल्ड प्यूपा. ठीक है, जब वो जो कैटरपिलर है वो रेडी है नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए अपनी लाइफ हिस्ट्री की, तो उस समय उसको प्यूपा कहा जाता है. It first weaves a net to hold itself, then it swings its head from side to side in form of figure of eight. ठीक है, तो वो किस तरह से बनाती है सिल्क, एट की फिगर में. तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. ठीक है, तो वो किससे बनाते हैं, प्रोटीन होता है जिससे वो उसको बनाते हैं. ठीक है, आपको याद रखना है वो होता क्या है, तो वो प्रोटीन है आपका. ठीक है जी. सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय अ सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा. और जल्दी ही क्या करता है, जो कैटरपिलर है वो खुद को कवर कर लेता है सिल्क फाइबर के साथ और प्यूपा बना देता है. दिस कवरिंग इज़ नोन एज कुकून. और इस कवरिंग को क्या कहा जाता है, इस कवरिंग को कुकून कहा जाता है. ठीक है, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इन टू मॉथ कंटिन्यूज इन साइड कुकून. अब जो फर्दर डेवलपमेंट होगी मॉथ की वो कहाँ पर होती है, वो होती है इन साइड योर कोकून. ठीक है, तो सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ. तो सिल्क फाइबर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए. कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ शीट स्टील. तो आप जानते हैं कि जो सॉफ्ट सिल्क यार्न है वो इतना स्ट्रांग होता है जैसे कि एक हमारी स्टील होती है. ठीक है, द सिल्क यार्न इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क मॉथ. तो जो सिल्क यार्न है वो कहाँ से मिलता है, इट इज़ मेड फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क मॉथ. देर इज़ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड सिल्क यार्न दे यील्ड इन डिफरेंट इन टेक्सचर. जैसे कि कोर्स में, स्मूथनेस में, शाइनी में, तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं. दस सिल्क की टाइप कौन कौन सी हो जाती है, टसर सिल्क, मूगा सिल्क एंड कोसा सिल्क. दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ. ठीक है, अलग अलग मॉथ से जो बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिल्क बनाते हैं. तो ये टाइप्स हैं. नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ. सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाने वाली सिल्क मॉथ कौन सी है, मलबरी.
silk moth. The silk fiber from cocoon of moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful dye. तो जो सिल्क बनेगा इससे मलबरी सिल्क मॉथ से वो सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस का मतलब शाइनी होता है, इलास्टिक एयर, और उसको किसी भी डाई से ब्यूटीफुल कलर किया जा सकता है. सो सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल. नेक्स्ट आपको ये एक्टिविटी 3.7 अपनी नोटबुक पे करनी है, जो क्या है, कट आउट पिक्चर ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ एंड पेस्ट देम इनटू अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, जंबल देम, नाउ ट्राई टू अरेंज दीज स्टेजेस. ठीक है, तो ये आप स्क्रैप बुक पे कर सकते हो. नेक्स्ट हम एक बार इसकी यहाँ देख लेते हैं कि ये मेल सिल्क मॉथ है, ये फीमेल सिल्क मॉथ है. अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एग ले किए इसने मलबरी लीव्स पे. ठीक है, ये सिल्क वर्म है और ये इसका कोकून है, और कोकून विद डेवलपिंग मॉथ, और ये कोकून है. तो ये आ जाती है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, जो कि आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम कोकून टू सिल्क. अब देखो कोकून तो बन चुका है, अब कोकून के बाद सिल्क कैसे मिलता है. सो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो मॉथ हैं उनको पाला जाता है और उनके कोकून को कलेक्ट किया जाता है सिल्क निकालने के लिए. सो रियरिंग सिल्क वॉर्म, अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग एट अ टाइम. तो जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एक समय पे 100 से ज़्यादा एग ले करती है. द एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लोथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क फार्मर्स. और जो एग होते हैं उनको स्टोर किया जाता है स्ट्रिप ऑफ क्लोथ पे या पेपर पे, और उसके बाद उसको फार्मर्स को, सिल्क वॉर्म फार्मर्स को दे दिया जाता है. ठीक है, द फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर अ लार्वा टू हैच फ्रॉम एग. अब वो जो एग्स हैं उनको हमें सूटेबल टेम्परेचर देना पड़ता है और सूटेबल कंडीशन में रखना पड़ता है ताकि वो क्या कर सके, हैच कर सके. दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स. और ये कब किया जाता है, जब जो मलबरी ट्रीज होते हैं उनके पास फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स होती है, क्योंकि ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये उसको खाते हैं. द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज. तो वो जो लार्वा होता है वो क्या करता है, कैटरपिलर, वो सुबह शाम खाता है इनको, मलबरी लीव को, और उसके बाद वो ग्रो हो जाता है साइज में. जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ये फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ है जिसने एग ले किए हैं. अब ये मलबरी ट्री है, लीफ ऑफ मलबरी. यहाँ पर ये लार्वा है कैटरपिलर सिल्क वॉर्म फीडिंग ऑफ मलबरी लीव्स, और ये हमारा कोकून है. नेक्स्ट, द लार्वा आर कैप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज. अब ये जो लार्वा होते हैं इनको क्लीन बैम्बू ट्रे में रखा जाता है अलॉन्ग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स. आफ्टर 25 टू 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून. और 25 से 30 दिन के बाद ये क्या करते हैं, कैटरपिलर खाना रोक देते हैं और मूव करते हैं टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन ट्रे टू स्पिन कोकून, ताकि वो कोकून बना सकें. सो स्मॉल ट्रैक्स और ट्विग्स में भी प्रोवाइडेड इन ट्रे टू विच कोकून गेट अटैच्ड. अब उसमें क्या होते हैं, स्मॉल रैक्स होते हैं या ट्विग्स, लकड़ियाँ होती हैं जिसके साथ ही क्या करते हैं, अटैच करते हैं और अपना स्पिन करते हैं कोकून को.
The caterpillar or silkworm spin cocoon inside which develops a silk moth. अब ये जो caterpillar और silkworm spin कर रहा है cocoon को inside, वहाँ पर क्या है, silk moth बन रही होती है. अब next आ जाता है हमारा processing of silk. ये silk की processing कैसे करते हैं. So, a pile of cocoon is used for obtaining silk fiber. ठीक है, a pile of silk को यूज किया जाता है ताकि सिल्क फाइबर्स बन सकें. द कोकून्स आर केप्ट अंडर सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम. उसके बाद उनको क्या किया जाता है, सन में रखा जाता है या बॉइल किया जाता है और स्टीम में रखा जाता है. द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, इससे क्या होता है, जो सिल्क फाइबर होता है वो अलग हो जाता है. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वो प्रोटीन से बना है, तो वो जैसे जब हीट करते हैं तो वो अलग होने लग पड़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड द रीलिंग ऑफ सिल्क. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थ्रेड बनाना कोकून से, इसको रीलिंग कहा जाता है. रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून. सिल्क फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून एंड सिल्क फाइबर आर देन स्पन इंटू सिल्क थ्रेड. और उसके बाद वो मूव किए जाते हैं बाय वीवर्स और वो सिल्क का क्लॉथ बना देते हैं. अब यहाँ पर हम रीड करते हैं डिस्कवरी ऑफ अ सिल्क, कि सिल्क हुआ बना कैसे था. द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन. अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड द एम्प्रेस सी लंगशी was asked by Emperor Huang Ti to find the cause of damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. The Empress found white worm eating up mulberry leaves. She also noticed that they are spinning shiny cocoons around them. Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea. Wo kya hota hai? And tangled to delicate thread separated from cocoon. अब यहाँ पर ये क्या बताया कि अभी तक तो इसके बारे में पता नहीं है कि ढंग से कब से इसकी डिस्कवरी है, बट एक एम्प्रेस थी तो उसने, जब उसको राजा ने पूछा कि हमारे यहाँ पर जो मलबरी ट्रीज़ हैं वहाँ के जो सारे के सारे पत्ते ख़राब क्यों हो रहे हैं, डैमेज क्यों हो जा रहे हैं, तो क्या पाया गया कि एम्प्रेस ने कहा कि वाइट वॉर्म है जो वो उनको खा रहे हैं, और गलती से वो एक वॉर्म उसके चाय पे जिसको वो पी रही थी उसमें गिर जाता है. अब वो गर्म थी तो उस वजह से क्या है, उसके जो थ्रेड थे सिल्क के वो डेलिकेट थे और वो सेपरेट होने लग गए. तो सिल्क इंडस्ट्री बिगैन इन चाइना एंड वाज केप्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड ऑफ इयर्स. लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज. ठीक है, द रूट दे ट्रेवल्ड इज कॉल्ड सिल्क रूट, और जिससे वो आए थे उनको अभी तक सिल्क रूट कहा जाता है. तो बोलने का मतलब क्या है कि जो सिल्क का उत्पादन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पर हुआ था आपका, जी चाइना में हुआ था. ठीक है, तो ये आपका लेसन कंप्लीट है. अब आपको इसमें से छोटे क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँगी. ओके, थैंक यू.